Good morning, students. As in our previous video, we have studied the topic factors that affect climate, in which we have studied about distance from the equator. Today we are going to discuss about altitude or height above the sea level. So let's start. Two places may be located on the same latitude but have different climate. Do places jo ki same latitude par equal distance pe jo hai located hai equator ke, ठीक है, पर उनका क्लाइमेट फिर भी चेंज होता है, एक दूसरे से अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड लुधियाना आर द से आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. शिमला और लुधियाना जो है वो इक्वेटर की सेम डिस्टेंस पर, इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड है, पर फिर भी शिमला जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू लुधियाना, है ना. अब वो क्यों? इसलिए क्योंकि शिमला जो है बेटा वो हायर एल्टीट्यूड पर है लुधियाना के कंपैरिजन में. अब आपको लगेगा ये एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड बेटा द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड. ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल जो सी लेवल है हमारा, इस सी लेवल से जितना ऊपर जो भी एक पर्टिकुलर जगह है, ये हाइट, इससे सी लेवल से जो हाइट होती है किसी भी एक जगह की, वो क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड कहलाती है बेटा, ठीक है. तो लुधियाना जो है वो थोड़ा नीचे है और जो शिमला है वो थोड़ा क्या है, सी लेवल से ऊपर है. क्योंकि सी लेवल से जितना ऊपर आप जाते जाओगे, जितना हाइट पे आप जाओगे, तो आपको वो रीजन ठंडा मिलेगा, वो पार्ट आपको ठंडा मिलेगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले से. द टेम्परेचर फॉल्स एज वी मूव अबव द सी लेवल. टेम्परेचर जैसे जैसे आप सी लेवल के ऊपर ऊपर जाते जाओगे, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, उस जगह का टेम्परेचर कम होता जाएगा, उस वजह से वो एरिया ज़्यादा ठंडा होने लगेगा. द हायर इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस द कूलर इट इज़. जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड होती जाएगी, एरिया ठंडा होते जाएगा. लाइक हिमालय. हिमालय क्यों कूलर है, क्यों ज़्यादा ठंडा है नॉर्दर्न प्लेन्स से? क्योंकि जो हिमालय है बेटा, उसकी जो है हाइट वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, वो सी लेवल से बहुत हाइट पर है. एज वी मूव हायर अप इन द हिमालय द टेम्परेचर फॉल्स फर्दर. जैसे जैसे आप हिमालय पे भी ऊपर जाते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा. और कई पीक्स जो हैं, चोटियाँ ऐसी हैं हिमालय की, वो स्नो से भरी हुई है, उस पर आइस जम जाता है, इतना ठंडा रहता है वो एरिया, ठीक है बेटा. तो आपको समझ में आया कि सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपको एरिया ठंडा ठंडा मिलता जाएगा. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेस क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. ऐसी जगह जो कि सी से पास में हो, जो समुद्र से पास में जगह है, वो जगह का एरिया हमेशा मॉडरेट रहता है. मॉडरेट मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, अच्छा रहता है. दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. वो बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते. दिस इज़ बिकॉज कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लैंड एंड सी ब्रीज. अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो एरिया समुद्र के, सी के आसपास होते हैं, उनको सी ब्रीज भी मिलती है और लैंड ब्रीज भी मिलती है, विच हैव मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स क्वाइट हॉट वाइल द वाटर ऑफ द सी रिमेन्स कूल. डे टाइम पर लैंड एरिया थोड़ा सा गर्म हो सकता है कंपेरिजन टू पानी से. सी के अंदर जो वाटर रहता है वो कूल रहता है. अ कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब हमने क्योंकि इसमें पढ़ा था कि किसी भी एक जगह का जो कि सी के आसपास है, उसका क्लाइमेट जो है मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. वो इसलिए होता है क्योंकि उसको लैंड ब्रीज भी मिलती है, सी ब्रीज भी मिलती है. अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है? तो सी ब्रीज क्या है? ऐसी ब्रीज, ऐसी हवाएं, ब्रीज मतलब हवा, जो कि कहाँ से आती है? सी से लैंड पे आती है, तो वो कहलाती है सी ब्रीज. और ऐसी हवा जो कि नाइट में लैंड से सी पे जाती है, वो कहलाती है लैंड ब्रीज, ठीक है. एट नाइट द सी इज़ वार्मर देन द लैंड. रात के टाइम पे जो सी है, सुबह के टाइम पे तो सी ठंडा रहता है, पानी ठंडा रहता है, और लैंड एरिया हॉट रहता है. रात के टाइम पे जो सी का वाटर है वो वार्मर रहता है और लैंड जो है वो कंपैरिजन टू उससे ठंडा रहता है. प्लेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. ऐसी जगह जो सी से दूर है, दूर बसी हुई है, उसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. अब वो एक्सट्रीम कैसे?
वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है समर्स में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है उस एरिया में, और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ डायरेक्शंस ऑफ विंड। विंड ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड का भी इफेक्ट पड़ता है हमारी किसी भी एक जगह के क्लाइमेट पर। जैसे कि व्हेन विंड्स आर फ्रॉम हॉट रीजन ब्लो, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। अगर किसी गर्म जगह से विंड ब्लो हो रही है, हवाएं आ रही हैं, तो वो किसी भी जगह का टेम्परेचर, जिस जगह पर जा रही है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। व्हेन द विंड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन ब्लो, दे मेक द प्लेस कोल्डर। और अगर किसी ठंडे रीजन से विंड्स आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं, तो वो किसी भी जगह पर जहाँ पर जा रही हैं उसको ठंडा कर देंगी। ड्यूरिंग समर, हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम राजस्थान राइज द टेम्परेचर इन दिल्ली। समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे गर्म और सूखी विंड्स जो है राजस्थान से कहाँ आती है, दिल्ली में आती हैं, तो वो दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ठीक है, गर्मियाँ उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। ड्यूरिंग मानसून सीजन, विंड्स फुल ऑफ मॉइस्चर बिगिन टू ब्लो टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द सी। और मानसून के टाइम पे जो विंड सी से चलती हुई आती हैं वो इंडिया में मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, दे कॉजेज रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसी वजह से रेनफॉल होती है हमारे इंडिया के कई पार्ट्स में। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम हिमालय कॉज टेम्परेचर टू फॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और वैसे ही विंड्स जो कि हिमालय से चलती आएंगी, वो कई जगह पर नॉर्थ पार्ट हमारे इंडिया के, वहाँ पर हर जगह पर एकदम ठंडा मौसम कर देंगी। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एयर में क्या होता है, वाटर कैसे कंटेन करता है एयर, वाटर वेपर के फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और इसी एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना या वाटर वेपर का प्रेजेंट होना कहलाता है बेटा ह्यूमिडिटी। ठीक है, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। जो लेवल होता है किसी भी एक प्लेस की ह्यूमिडिटी का, है ना, किसी प्लेस की ह्यूमिडिटी का लेवल हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है किस एरिया में। ठीक है, उससे क्लाइमेट अफेक्ट होता है। विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। और जो विंड्स बेटा जो सी से कलेक्ट होके मॉइस्चर कलेक्ट करके लेकर आती है, जो हवाएं सी से मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आती हैं, तो उस वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो उसके आसपास का एरिया है बेटा, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मॉइस्चर सा उमस सा मौसम रहता है उस एरिया में। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेक्स अ स्वेट अ ग्रेट डील। अब ह्यूमिडिटी होती है, जब उमस होती है, तो आपने भी फील किया होगा कि जिस दिन उमस ज़्यादा होती है उस दिन आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, और ह्यूमिड एयर की वजह से ही रेनफॉल होती है। प्लेसेस विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी आर यूजुअली हॉट एंड वेट। और जिन जगहों पर जो सी के आसपास का एरिया है, कोस्टल रीजन्स हैं, वो ह्यूमिड होते हैं बहुत ज़्यादा, और ह्यूमिड होने की वजह से वहाँ पर गर्मी और गीलापन रहता है मौसम में। ठीक है, एक नमी सी रहती है। ठीक बेटा, सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टूडे। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।